हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और आप लोग कहेंगे 3 दिन से एक ही स्वेटर पर वीडियो बना रही है, तो मैं जो है पतिदेव के डर से नहाई नहीं, क्योंकि पतिदेव बोले हैं कि अगर तुम नहा ली तो मैं तुमको क्या कर दूंगा। और हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं जी, देखिएगा। और थोड़ा मेरे घर की हालत खराब है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने भी अपने बाल नहीं संवारे, इनकी तबीयत खराब है तो आजकल बहुत प्यारा रहा है। मुझे देखिए काढ़ा भी बना के दिए हैं यहाँ पे, और मुझे जो सांता दिए थे, जो इतना खराब था, इतना खराब था, उसको दुनिया में कोई नहीं पी सकता। जो सांता बहुत ही खराब था, और मैंने फिर भी 10 घूंट पिया, क्योंकि इन्होंने बड़ा। और मैं इसलिए आप लोगों को कॉल की, मतलब वीडियो बना रही हूँ, कि मेरा बेटा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बनाता है, और अभी बनाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना अच्छा चीज़। अभी बना के दिखाया भी था हम लोगों को, बहुत अच्छा बनाया था। और फिर बना रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। और ये है हमारा काढ़ा। और सच में पति देव ने काफ़ी मेहनत की, 3-4 दिन से लगे पड़े हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ काम, इसी में लगी हूँ, लेकिन इन्होंने काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो मतलब कभी कभी है, ऐसे नहीं करते, ऐसे ठीक रहूँगी तो कभी नहीं करेंगे काम। एक गिलास पानी तक नहीं लेके पीते हैं, पता है। लेकिन अगर मेरी तबीयत ख़राब है, चाहे घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो, तो बहुत करते हैं। और मतलब यहाँ तक कि दवाई लेके खड़े रहते हैं, पानी लेके खड़े रहते हैं, टाइम होता है तो कि दवाई लो पानी लो, इस टाइप से। और गला अभी भी ठीक नहीं है, और शांतनु गया है ट्यूशन, और मैं पी रही हूँ ये। और दूसांदा नहीं पिया गया बहुत ज़्यादा, जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब था दूसांदा, और मैंने आज ज़्यादा वैसे काम भी नहीं किया, बस खाना बनाई खिलाई हूँ इन लोगों को, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और यहाँ पे देवा की एक्टिविटी दिखा रही हूँ आप लोगों को। और डाबर का ये काढ़ा है, तो ये अच्छा है काढ़ा, डाबर वाला जो है ना, ये मतलब काढ़ा तो काढ़ा ही है, कड़वा होता है, लेकिन जो सांदा बहुत ज़्यादा कड़वा है तो वो नहीं पिया गया मेरे से। इन्होंने बोला 10 घूट पी लो, तो 10 घूट कैसे भी करके पी ली मैं। और मेरी हालत देख ही सकते हैं, एक बीमार मजबूर औरत क्या कर सकती है। तो ये हालत हो गई है मेरी। और पता नहीं आजकल क्या हुआ ना, सब लोग बोल रहे हैं, जिनको भी खांसी हो रहा है ना, लंबा चल रहा है, 10 दिन 15 दिन ऐसे चल रहा है, तो सबको बचना है इस सीजन में, पता नहीं क्या हो गया है। और ये जाती हुई सर्दी मुझे पकड़ ली, मैं नहीं चाह रही थी पकड़े, पर पकड़ लिया इसने। और वही नहाने का चक्कर था, मैं रोज़ नहा के पूजा करती थी, तो अब ऐसा हो गया, भगवान जी की पूजा भी नहीं हो रही है, क्या करें। तो चलिए, और ये देखिए देवा ने बनाया है, कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा बनाता है। और अभी मैं काढ़ा पी तो कुछ अच्छा है। हम एक चीज़ दिखाती, कौन चाय बनाते समय मोबाइल करके चाय बनाता है, देखिए मेरे पति देव को देखिए। और ऐसे कौन चाय बनाता है मोबाइल चला के, स्टॉप करिए। अरे तो मोबाइल में गाना लगा के कौन चाय बनाता है? अच्छा, मोबाइल में बिग बॉस लगा के खाना कौन बनाता है? मैं तो वीडियो देखती हूँ, अरे वीडियो बनाती हूँ, तो गाना लगा के चाय कौन बनाता है ये बताइए। अब मेरे किचन की हालत आजकल इन्हीं लोगों के हाथ में है, मतलब ज्यादातर इनके ही हाथ में, इसी वजह से। अच्छा, आजकल मैं किचन की मालकिन नहीं हूँ, आप ही हैं, मैं तो बस आके बना देती हूँ कैसे भी करके। और जी यहाँ पे पति देव बना रहे हैं चाय स्पेशल, तो चाय पिलाएंगे वो हम लोगों को, और हम चलते हैं। और शांतनु हमारे आ गए ट्यूशन से, क्या हाल चाल? सही है, सही है। तो मेरा बच्चा आ गया ट्यूशन से, ट्यूशन गया था, अभी आया है। और देवा गया था गेट खोलने, और देवा यहाँ आईपैड ले लिया, और मैं इसको मारूंगी थप्पड़, और ये इतना फैला रखा है। अच्छा चल, दिखा रहा है कि चल नहीं रहा, ये अपना एक्टिविटी करेगा अभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पति देव चाय भी लेके आए और कप भी हटा रहे हैं, आजकल बहुत सेवा हो रही है मेरी। और यहाँ पे चाय भी बना लाए, देखते हैं चाय पी के कैसा है। और थोड़ा सा ना सिर भारी हो जा रहा है शाम के टाइम में, और सुबह के टाइम में थोड़ा सा सिर दर्द हो जा रहा है, अब इसका कुछ पाए पता नहीं क्या होगा। तो चलिए पीते हैं हम इनके हाथ की गर्मा गर्म चाय। उधर छुप गए, चलो मैं आई बंद कर रहा हूँ, छुपो ठीक है। 1 2 मैं आ जाऊं। देवा तुम बेड के पास छुपे हुए हो नीचे।
वन टाइम मैं जीता। रोना नहीं है, बात करना है ना। अरे वह गया उधर, वो गेम खेल रहा था अपने पापा के साथ, और हम लोग एक ही रजाई में घुसड़े फुसड़े हैं, ठंडी है, चल रहे हैं खाना बनाने के लिए, देखते हैं क्या बनता है खाना। रोने लगा, बुलाइए उसको, चुप कराते हैं। और उसके साथ क्या है ना, उधर जो बेसिक फोन है उसको बजा दो तो डर जाता है वो, कि भूत आते हैं। इन्होंने मिस कॉल कर दिया। देवा जा रहा है तभी फोन आ रहा है। क्या हुआ देवा? मैं चीटर नहीं हूँ, एक बार ही तो मैं चीटिंग करके जीता यार, एक बार तो जीते। तुम फाइव टाइम्स जीते हो, मुझे एक टाइम जीते दो। अच्छा ठीक है पक्का, इस बार चलो चीटिंग नहीं। थ्री, चलो चलो छुपो छुपो, अब नहीं दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी। जादूगर है जादूगर देवा, अब छुप गया। देवा कहाँ छुपा हो सकता है, और ये ऐसे ही खेलता है। और टाइम हो 9 o'clock होने वाले हैं, तो अब मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बनेगा खाना, क्या खाओगे शाम? शिमला मिर्च की सब्जी, तो ये खाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इनके लिए शिमला मिर्च की सब्जी। और मुझे तो कुछ चटपटू सो खाने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ऐसे चटपटा क्या खाएंगे आप? नमक मिर्च और तेल और लहसुन कूट के चटनी बनाएंगे, और उसके बाद मोटी मोटी सी गोली गोली सी रोटी खाएंगे, छोटी छोटी सी। इस टाइप से मन कर रहा है, पूछते हैं ये क्या खाएंगे, तो उसी हिसाब से बनेगा। तो सर्दी अब आज ना धूप हुई ही नहीं, बहुत कम हुई थी, तो सर्दी आज बढ़ गई है। और बच्चे को लेके यही मस्ती है, देखिए ऐसे खेलता रहता है ये देवा, हमारे पापा के साथ ना ऐसे खेलता रहता है। शांतु के साथ भी खेलता है, लेकिन अभी इन्हीं के साथ खेल रहा है, तो छुप छाप के अभी खेल रहा है। और यही छुपेगा, दूर नहीं जाएगा, छुपेगा भी तो यही छुपेगा, ऐसे नहीं कि दूर जाके छिपे, थोड़ा सा डरता भी है। तो कमरे देवा थोड़ा सा डरता भी है, कमरे से बाहर नहीं जाके छुपता है, कमरे में ही छुपेगा, कहीं भी छुपेगा तो। और वीडियो की चलिए एंडिंग करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। इतना जूसा अंडा कौन बनाता है जी यार? हाँ? एक पूरा पैकेट खोल के डालते हैं उसमें जी, क्या जूसांडा बनाने में? हाँ, क्या अपने अपने व्यूअर्स से भी पूछ लो। हाँ, ये पूरा इतना मुझे दिए हैं जूसांडा, ये कैसे? अच्छा, मैं पीऊंगी? आप लोग कमेंट करिएगा इनकी वीडियो पे, एक पूरा पैकेट होता है, पूरा पैकेट डाल देते हैं। बाप रे, मैं किचन में गई, दिमाग खराब ये। और अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइएगा। ये इतना जूसांडा बनाते, इतना कब मैं पी पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं इतना जूसांडा एक बार में पी लूं तो? एक चम्मच पड़ता होगा तब? नहीं पड़ता है, पूरा पैकेट पड़ता है। अरे यार, और किचन में इतना कड़वा होता है जूस, और ये मुझे ना पूरा दिए हैं वो करने के लिए, और मैं आ गई किचन में खाना बनाने। चलिए बनाते हैं अब खाना, नहीं होगा नहीं। कितना खेलोगे? और यहाँ पे लास्ट नहीं, और यहाँ पे इनका चल रहा है वो, मेरी बन गई शिमला मिर्च की सब्जी, और अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे जी ये मेरा जो मैंने चटनी बोला था वो भी कूट गया, और इधर मेरी सब्जी बन गई, देखिए शिमला मिर्च की।